नमस्कार, स्वागत है आप सभी का वीके न्यूज में। मैं हूं आपके साथ दीपिका पांडे। नक्सली देखें, जी हां, वही नक्सली जो जंगलों में बंदूक गोला बारूद लेकर हमारी सेनाओं पर हमला करने की कोशिश करते हैं और इस कोशिश में बुरी तरह से मारे जाते हैं। लेकिन क्या आपने कभी कलम वाले नक्सलियों के बारे में सुना है? नहीं तो पहले आप वही सुन लीजिए। नक्सलवाद के हर फॉर्म को हमने पराजित करना पड़ेगा। बंदूक वाला भी है और कलम वाला भी नक्सलवाद है। हमें इन सब का काट निकालना पड़ेगा जी। हमारी युवा पीढ़ी को भ्रमित करने के लिए ऐसी बचकाना बातें कर करके चल पड़ते हैं लोग और इतना नुकसान देश को हो रहा है और आने वाले दिनों में कोई संभाल नहीं पाएगा जी। हमें ऐसी किसी चीजों को देश में चलने नहीं देना है जी, लेकिन बुद्धिपूर्वक करना पड़ेगा। लेकिन अब आप सोच रहे होंगे कि हम कलम वाले नक्सलियों की बात क्यों कर रहे हैं, तो आपको बता दें कि दरअसल हाल ही में ऐसी खबर सोशल मीडिया पर आई है जिसे लेकर एनडीटीवी अब सबके निशाने पर आ गया है। हालांकि वैसे तो एनडीटीवी पर गौतम अडानी का कब्जा हो गया है, लेकिन इस कब्जे के बीच दावों के मुताबिक प्रधानमंत्री मोदी के माँ के निधन की खबर को एनडीटीवी ने जिस तरीके से चलाया उसकी हर तरफ आलोचना हो रही है। हालात यहां तक पहुंच गए कि एनडीटीवी को महज कुछ घंटों के भीतर ही माफीनामा तक जारी करना पड़ गया। एनडीटीवी ने माफी मांगते हुए लिखा, हमने आज गलती से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में एक गलत टिप्पणी पोस्ट कर दी थी, हम तहे दिल से क्षमा प्रार्थी हैं। लेकिन अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर एनडीटीवी ने ऐसा क्या किया कि उसे माफी मांगनी पड़ गई, और वो भी तब जब वो गौतम अडानी के हाथों में है जिसे रवीश कुमार प्रधानमंत्री का आदमी बताते नहीं थकते। बता दें कि पीएम मोदी की मां का शुक्रवार की सुबह निधन हो गया। पूरे देश में शोक की लहर थी, देश विदेश से शोक संवेदनाएं आ रही थी। लेकिन इस बीच एनडीटीवी में बैठा एक पत्रकार, उसने एक ऐसा काम कर दिया जिसने लोगों को नाराज कर दिया। दावे के मुताबिक इस पत्रकार ने पीएम मोदी की मां की जगह प्रधानमंत्री मोदी के निधन की खबर चला दी। और इतना ही नहीं, बताया जा रहा है कि ये खबर काफी देर तक ट्विटर हैंडल पर वैसे ही बनी रही जब तक इसे डिलीट नहीं किया गया, और इसे लेकर लोग सोशल मीडिया पर भयानक गुस्से में आ गए। अर्पित आलोक मिश्रा नाम के यूजर ने लिखा कि बदलाव की डगर है, जरा ध्यान से। वैभव रंकावत नाम के यूजर ने गुस्सा जाहिर करते हुए लिखा, ये गलती है या जानकर। जनार्दन तिवारी ने लिखा, दिल की बातें कभी कभी गलती से निकल ही जाती है, रवीश की संगत का असर अभी कुछ दिनों तक रहेगा। इस बंदे ने बीजेपी से अपनी व्यक्तिगत खुन्नस और महत्वाकांक्षा के चक्कर में एनडीटीवी को प्रोपोगेंडा चैनल में तब्दील कर दिया। प्रणव राय को कहीं का ना छोड़ा, ईश्वर आपको सद्बुद्धि दे। चंद्रशेखर कुमार नाम के यूजर ने लिखा, गलतियां तो पहले भी करता था, डरपोक चैनल था, सिर्फ एक फोटो गलती से लगाया था मुस्लिम का कोरोना अपडेट के लिए, तब के एनडीटीवी में इतनी हिम्मत नहीं थी कि इस फोटो के साथ टिका रहे, डर के मारे डिलीट कर दिया था। तो जिस एनडीटीवी को आप जानते थे वो डरा हुआ दोगला टाइप का था। वहीं अंजना जयहिंद नाम की यूजर ने लिखा, माफी मांगने वाले को माफ कर देना ही हमारी भारतीय संस्कृति है, हम अंग्रेजों जैसे क्रूर नहीं है कि हर महीने माफीनामा लिखवाएं और बिना पढ़े फाड़ दें, आपने अपनी गलती को सुधार कर अपना और सम्मान बढ़ा लिया। अब बड़ा सवाल ये है कि क्या ये गलती जानबूझकर की गई या फिर ये गलती से हो गई, क्योंकि कुछ लोगों का कहना है कि ये ह्यूमन एरर हो सकता है। तो कई लोग इस पर ये भी प्रतिक्रिया दे रहे हैं कि आपके दिमाग में जो चल रहा होता है हाथ वही टाइप कर देते हैं। आपको क्या लगता है कि एनडीटीवी ने जानबूझकर ये गलती की या फिर अनजाने में हो गई, इसे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के आप देखते रहें वीके न्यूज। नमस्कार। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।